सबसे पहले आपको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम बनाएंगे ढाबा स्टाइल छोले, जीरा राइस और हरे धनिया की चटनी। अगर आपको इसकी रेसिपी पसंद आती है तो आप लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अपने दोस्तों और फैमिली में जरूर शेयर करें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। गैस हमने चालू कर दिया है। गैस के ऊपर हमने कुकर रख दिया है। ये एक कटोरी छोले का चना है जिसे हमने रात को भिगो के रखा था और इसे हमने दो तीन पानी से अच्छे तरीके से हमने धो लिया है। इसे हम कुकर में डाल देते हैं। इसमें हम पानी डाल देते हैं। हमने 3.5 गिलास पानी लिया है। हम 1 चम्मच नमक डाल देते हैं और 1/2 चम्मच इसमें हम मीठा सोडा डाल देते हैं। खाने वाला सोडा है ये। इसे हम मिला लेते हैं। और कुकर का ढक्कन हम लगा देते हैं और 5 सीटी आने पर हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। चलिए मसाला पीस लेते हैं। ये एक बड़े साइज का प्याज है जिसे हमने रफली काट लिया था। इसे हम जार में डाल देते हैं। 10 हरी मिर्च है, इसे भी डाल देते हैं। थोड़ा सा अदरक है, इसे डाल देते हैं। और 10 लहसुन की कलियां हैं, इसे भी डाल देते हैं। 1/2 चम्मच जीरा डाल देते हैं। और देखिए पानी नहीं डालना, जार का ढक्कन लगा देते हैं। और देखिए गैस का फ्लेम हम बंद कर देते हैं। जब तक कुकर ठंडा हो रहा है तब तक मसाला पीस लेते हैं। देखिए मसाला हमने पीस लिया है। देखिए मसाला हमारा अच्छी तरह से पीस चुका है, इसे अलग रख देते हैं। चलिए हम चटनी बना लेते हैं। हमने धनिया डाल दिया जार में। हमने धनिया को अच्छे तरीके से धो लिया था। हमने एक छोटे साइज का टमाटर डाला है, चाहे तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। 2 लहसुन की कलियां हैं और ये 3 हरी मिर्च है। चलिए हम जार का ढक्कन लगा देते हैं। कि हमारी चटनी पीस चुकी है। इसमें हम थोड़ा सा नमक डाल देते हैं और इसे हम मिला लेते हैं। ये भुनी हुई मूंगफली है, ये हमने 3 चम्मच लिया था, इसे भी हम पीस लेते हैं। चलिए जार का ढक्कन लगा देते हैं। देखिए मूंगफली हमारी पीस चुकी है। चलिए हम गैस की तरफ चलते हैं। देखिए कुकर हमारा ठंडा हो चुका है। चलिए हम देख लेते हैं हमारा चना उबला कि नहीं। देखिए हमारा चना बहुत ही अच्छे तरीके से उबल चुका है। ये एक साइड रख देते हैं। इसे हम गैस चालू कर दिया है। गैस के ऊपर हमने कढ़ाई रख दिया है। कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है। कढ़ाई में हम सरसों तेल डाल रहे हैं। हमने 5 चम्मच सरसों तेल लिया है। देखिए तेल गर्म हो चुका है। इसमें हम एक तेज पत्ता डाल देते हैं और 1 छोटा चम्मच जीरा डाल देते हैं और इसे हम चटकने देते हैं। चलिए जीरा चटक चुका है। इसमें जो हमने पेस्ट बना के रखा था इसे हम डाल देते हैं। चलिए इसमें हम थोड़ा सा नमक डाल देते हैं। देखिए हमने चना उबालते समय भी नमक डाला था, इसलिए हम थोड़ा सा ही नमक डालेंगे इसमें। चलिए मसाले को मिला लेते हैं और मसाले को हम ढक देते हैं। ढक्कन हटा के मसाले को चला लेते हैं। हमें थोड़ी थोड़ी देर पर मसाले को चलाते रहना ताकि जो मसाला है ना चिपके ना। चलिए इसे फिर से ढक देते हैं। ढक्कन हटा के मसाले को मिला लेते हैं। और देखिए प्याज भुनने में हमें 2 मिनट लगा है। फिर इसमें मसाले डाल देते हैं। 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे इसमें और इन सभी को हम अच्छे तरीके से मिला लेते हैं। मसाले को अब हम ढक देते हैं। थोड़ी देर पर ढक्कन हटा लेंगे, मसाले को मिला लेंगे। गैस का फ्लेम हम यहाँ पे मीडियम रखेंगे। चलिए मसाले को फिर से मिला लेते हैं। और 2 मीडियम साइज के इसमें हम टमाटर डाल देते हैं जिसे हम छोटे टुकड़ों में काट लिया था हमने, इसे भी हम मिला लेते हैं।
ये मसाले को हम ढक देते हैं। थोड़ी देर पर ढक्कन हटा लेते हैं और इसमें एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाल देते हैं और मूंगफली को जो हमने पीस कर रखा था ना इसे हम डाल देते हैं। थोड़ा सा छोले का पानी डाल देते हैं। देखिए छोले का पानी हमें फेंकना नहीं है। चलिए मसाले को हम मिला लेते हैं। ग्रेवी को गाढ़ा करने के लिए इसमें हमने मूंगफली डाला है, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है और ग्रेवी भी बहुत गाढ़ी बनती है। पहले मसाले को हम ढक देते हैं। देखिए थोड़ी देर पर ढक्कन हटा लेते हैं और मसाले को चला लेते हैं। देखिए कढ़ाई हमारी जो मसाला बिल्कुल छोड़ दिया है, यानी मसाला हमारा अच्छी तरह से भुन चुका है। चलिए इसमें हम छोले डाल देते हैं, साथ में छोले का पानी डाल देते हैं जो हमने रखा था, इसे हम मिला लेते हैं। इसमें एक छोटे चम्मच हम गरम मसाला डाल देते हैं और इसे भी मिला लेते हैं। चलिए छोले को हम ढक देते हैं और एक उबाल आने देते हैं। देखिए छोले में उबाल आ चुकी है। गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं और थोड़ा सा धनिया डाल देते हैं इसमें। छोला हमारा बन चुका है, इसे हम ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं जब तक हम चावल बना लेते हैं। देखिए गैस हमने चालू कर दिया है, गैस का फ्लेम हमारा हाई है। गैस के ऊपर हमने कुकर रख दिया है और कुकर हमारा गर्म हो चुका है। इसमें हम 2 चम्मच घी डाल रहे हैं, चाहे तो आप तेल भी डाल सकते हैं, पर घी से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। इसमें 1 छोटी चम्मच हम जीरा डाल देते हैं, जीरा को चटकने देते हैं। देखिए ये 1.5 गिलास चावल है जिसे हमने धो लिया था, इसे हम डाल देते हैं। फिर इसे हम मिला लेते हैं। इसमें हम 3 गिलास पानी डाल देते हैं। स्वाद अनुसार इसमें हम नमक डाल देते हैं। चलिए इसे हम मिला लेते हैं और कुकर लगा देते हैं। 1 सीटी आने पर गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे। गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं और कुकर को ठंडा होने पर छोड़ देते हैं। देखिए कुकर ठंडा हो चुका है। चलिए हम चावल चेक कर लेते हैं, चावल हमारा पका कि नहीं। देखिए चावल बिल्कुल अलग अलग खिले खिले बने हैं और चावल पक चुका है। स्वतंत्रता दिवस के लिए हमारा स्पेशल थाली बनके तैयार हो चुका है, जिसमें हमने ढाबा स्टाइल छोले, जीरा राइस और हरा धनिया की चटनी हमने बनाया है। इसे हम तिरंगे की तरह सजा देते हैं। देखिए बीच में हम जीरा राइस रख देते हैं। छोले के साथ आप पूरी, पराठे, रोटी, चावल, भटूरे, नान, इन सभी के साथ आप खा सकते हैं। चावल को हम थोड़ा सा सजा देते हैं ताकि चटनी और छोले के लिए जगह बच जाए। जीरा राइस की जगह आप प्लेन चावल भी बना सकते हैं। चलिए अब हम छोले डाल देते हैं। एक सेट हरी धनिया की चटनी डाल देते हैं। चलिए इसे हम फैला लेते हैं।
स्वतंत्रता दिवस के लिए थाली बनके तैयार हो चुकी है। अगर इसकी रेसिपी आपको पसंद आती है तो आप कमेंट करके बताइए कि रेसिपी कैसी बनी है।